भारत के कोने कोने तक, जिस प्रकार से मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव कहा है कि भारत को अगर श्रेष्ठ भारत बनाना है तो 140 करोड़ भारतीयों को एक साथ एक दिशा में एक सपना देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए उन सभी का सुझाव लेकर हम इस भारत को एक सशक्त भारत बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के अभियान चला रही है, आज संकल्प पत्र अभियान चलाए। हमारे साथ नीरज सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे सर ये संकल्प पत्र अभियान कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है और आज यहाँ की शुरुआत हुई, इसे कैसे किस विजन के तहत आगे। ये पूरे देश के अंदर इस लोकतंत्र को, एक लोकतंत्र को बचाने का काम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जहाँ पर एक परिवार विशेष इस देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात करने का काम कर रहा था। अब जब हम अपने घोषणा पत्र को बनाएंगे तो लोगों को सुझाव को लेकर बनाएंगे, और हमारे घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र नहीं होते, वो हमारा संकल्प है। ये हमने पिछले कार्यकाल में भी दिखाया, सभी विषय जो है, चाहे धारा 370 से लेकर भगवान राम के जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, हमने जो कहा वो कर दिखाया। पार्टी ने ये निश्चित किया है कि इस राजनीति के अंदर विश्वसनीयता का जो संकट था उसको हम समाप्त करेंगे, और मुझे लगता है इन सभी विषयों को देखते हुए जन जनता चुनाव में जाएगी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का काम करेंगे। ये अभियान कितने दिनों तक चलेगा और कहां कहां तक चलेगा। ये भारत के कोने कोने तक, जिस प्रकार से मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव कहा है कि भारत को अगर श्रेष्ठ भारत बनाना है तो 140 करोड़ भारतीयों को एक साथ एक दिशा में एक सपना देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए उन सभी का सुझाव लेकर हम इस भारत को एक सशक्त भारत बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नीरज सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो संकल्प पत्र है पेटिका के द्वारा, वो जनता से सुझाव लेंगे और सुझाव लेने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना पत्र जो है संकल्प पत्र जारी करेगी। आसिफ खान, न्यूज़ फाउंडेशन, लखनऊ।